हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 18th लेक्चर ऑफ क्लास 9 इन हिंदी मीडियम। देखिए, इस लेक्चर में 18वें क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 5 माइनस 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस 2 दे रखा है और y का मान दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस 2 अपान अंडर रूट 5 माइनस 2। हमें मान क्या निकालना है, x स्क्वायर का, y स्क्वायर का, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न को लेंगे। एक्स स्क्वायर को मान निकालने सबसे पहले x का हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, हर का चिन्ह बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा फिर, अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देखिए, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। इसको हल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर 5 इंटू 2, यहाँ 5 माइनस 4, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, ठीक है, माइनस 4 अंडर 5 पाने, ठीक। अब देखिए, x का जो हमें मान प्राप्त हो गया 9 माइनस 4 अंडर 5, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर फिर पुनः जो है a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 161 माइनस 72 अंडर 5। इसी क्रम में हम y का मान निकालेंगे, उसका भी हर का परिमेय करेंगे, हर का परिमेय करने के बाद हमारे पास हल करके y का मान आ जाएगा। अब फिर पुनः वाई स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी हमारा निकल के कितना है, वाई स्क्वायर कितना है, 161 प्लस 72 अंडर रूट 5। देखिए, पहला दूसरा पार्ट हमारा निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, वाई स्क्वायर निकल गया। अब हमें जो है तीसरा प्रश्न करना है, एक्स वाई। तो एक्स का मान देखिए ये है, वाई का मान ये है। अब ध्यान से देखिए, जो इसका अंश है वो इसका हर है, जो इसका है अंश है उसका हर है। तो क्या आ जाएगा, दूसरे से कट जाएगा, इसका अंश इसके हर से, इसका अंश इसके हर से कट जाएगा, आ जाएगा एक। अब देखिए, चौथा प्रश्न जो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो एक्स स्क्वायर का मान देखिए यहाँ दिख रहा है, हमने ये रख दिया, वाई स्क्वायर का मान देखिए यहाँ दिख रहा है, हमने ये रख दिया, और एक्स स्क्वायर का मान एक था। देखिए, ये धन है, ये ऋण है, कट जाएगा, 161 प्लस 161 प्लस 1 जोड़ के कितना आ जाएगा, 323। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, यहाँ पर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 इस सबका मान दे रखा है और कहा है इसका मान निकालने के लिए। देखिए, दूसरा प्रश्न हमने दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया, और फिर उसके बाद हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए देखिए, माइनस चिन्ह है तो यहाँ धन हो गया, दोनों का गुणा करेंगे, करने के बाद हमारे पास इसका ऊपर तो एक ही है तो यही रहेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, और नीचे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, और माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 और माइनस 1, ठीक है। इसको हल करने पे हमें प्राप्त क्या हुआ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, और नीचे क्या जाएगा, देखिए 3 धन 2 और माइनस 1 यानी 4 माइनस 2 अंडर रूट 6। ध्यान से देखिए, अभी भी हर का परिमेयकरण नहीं हो पाया है, एक बार फिर से पुनः करेंगे। तो पुनः करने के लिए फिर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस लगा करके फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 4 का गुणा इस पूरे में होगा, हमने लिख दिया, फिर उसके बाद इसका गुणा 2 अंडर रूट 6 का गुणा पूरे में होगा, हमने लिख दिया, अपान यहाँ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का रूप है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 4 का गुणा करेंगे तो कितना, 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 18 माइनस 2 अंडर रूट 12 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे क्या आ जाएगा, 4 चुका 16, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 6 24, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से 4 अंडर रूट 3 यहाँ 4 अंडर रूट 2 प्लस 4, 18 क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुड़े 2 यानी 3 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 गुड़े 3 अंडर रूट 2। इसी तरह 12 को लिख सकते हैं, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 यानी 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 गुड़े 2 अंडर रूट 3 और प्लस 2 अंडर रूट 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 16 में से 24 गया माइनस 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 6 अंडर रूट 2 और माइनस 4 अंडर रूट 2, ये माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, ये गुणांक आपस में घट जाएंगे, 6 में से 4 गया 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 अंडर रूट 6 यही बचा, ठीक, और अपान माइनस 1। अब यहाँ देखिए प्लस 4 भी है, होल अलग से बचा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब निकालेंगे तो दो सब में से कॉमन ले लेंगे, दो सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस 2 ब्रैकेट पे रहेगा, प्लस 2 ब्रैकेट में रहेगा और दो से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2 बचा है, प्लस 2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा तो नीचे चला।
अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस टू का मान रखेंगे, ठीक है, अपॉन चार रखा है तो अंडर टू का मान 1.4142 और प्लस अंडर रूट सिक्स का मान 2.4445 प्लस टू अपॉन माइनस फोर, ऊपर वाले संख्याओं को जोड़ देंगे 5.8587 अपॉन माइनस चार, चार से काट देंगे तो बराबर देगा -1.4646। ये उसका उत्तर होगा। इसी क्रम में सारे प्रश्नों को हल करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए।